एक महिला को शादी का झांसा दिया जाता है, फिर उसे जबरदस्ती शराब पिलाई जाती है, नशे में उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, धमकी दी जाती है और आरोपी आराम से फरार हो जाता है। इतना ही नहीं, कोई अज्ञात व्यक्ति महिला का वीडियो भी बना लेता है और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। सोचिए धर्म नगरी में कैसे कैसे लोग हैं जो इंसानियत पर कालीख पोतते हैं, उन्हें बाबा महाकाल से भी डर नहीं है। महिला ने अपने साथ हुई दरिंदगी के बाद पुलिस में शिकायत भी की है, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रदेश में ये क्या चल रहा है। सबसे पहले सुनाते हैं उज्जैन एसपी को आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने क्या जानकारी दी, सुनिए। दुष्कर्म की घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था, तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज किए हैं, जिसमें बताया गया कि एक युवक था जिसने उसे शादी का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए जिंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो, और ऐसा करके और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको धमकी दे के और भाग गया। महिला की शिकायत हमारे तक आई, एफआईआर दर्ज की गई और संबंधित आरोपी को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। और अब आपको उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा ने क्या कहा, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, वो जेल भेज दिया गया है। इस मामले में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उसे वायरल करने वाले लोगों की भी पहचान कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी, ऐसा एसपी का कहना है, सुनिए। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेके महिला को ढूंढा और उसकी तरफ से एक बलात्कार की रिपोर्ट कराई गई है। प्रारंभिक विवेचना में जो सामने आया है वो महिला और पुरुष पूर्व से परिचित थे और उन्होंने संभवतः किसी प्रलोभन में साथ में आके शराब का सेवन किया और उसके बाद ये घटना हुई, जिसको संज्ञान में लेकर आरोपी को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया। महिला को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था, उसके माननीय न्यायालय में कथन भी कराए गए, अभी उसकी काउंसलिंग भी की जाएगी और जो उससे रिलेटेड तथ्य हैं उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। जिन्होंने वीडियो बनाया है और वीडियो को वायरल किया है उसको भी अभी हम चिन्हित करेंगे और उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे समाज में मैसेज जाए कि अगर इस तरह की कोई घटना आपके संज्ञान में आती है तो तत्काल पुलिस को संज्ञान में लेके आए, जिससे इस तरह की कोई चीज सार्वजनिक जगह पर ना हो सके और उसके जो भी लोग हैं जो इसको वीडियो वायरल कर रहे हैं उन सभी के खिलाफ अवैध तरीके से वायरल करने की कार्रवाई की जाएगी। और अब ये घटना राजनीतिक तूल पकड़ ली है। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता कमलनाथ और पीसीसी चीफ ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि यह तो सिर्फ उज्जैन का मामला है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है और जनता इसकी गवाह है, सुनिए। ये तो एक उज्जैन का है, पूरे प्रदेश में हर जगह महिलाओं का मामला सामने आ रहा है। ये जो कानून व्यवस्था है पूरी ठप है और आज जनता इसकी पूरी गवाह है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आंदोलित है बंगाल की घटना को लेके, जरूर वहाँ पे जो घटना हुई विभत्स है, अपराधियों को फांसी होना चाहिए, पर मध्य प्रदेश की ओर भी तो देखो कि यहाँ हालात क्या है। मध्य प्रदेश में हालात बस से बदतर है। तो उधर जीतू पटवारी के आरोपों पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और जीतू पटवारी हमेशा ऐसी घटनाक्रम को खोजते रहते हैं जिससे प्रदेश को बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाता है। उज्जैन घटनाक्रम में भी पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को जेल भेजा है और कांग्रेस इस तरह के मसलों पर सियासत से बाज आना चाहती है। देखिए, जीतू पटवारी या कांग्रेस या विपक्षी दल के जो लोग हैं उनके पास कोई मुद्दे नहीं होने के कारण से हर प्रकार की घटना दुर्घटना को इस प्रकार का वो स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं किसी ने किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत की है, किसी प्रकार का गलत आचरण किया है और जिस प्रकार की चीजों को वो सामने लाने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने का अगर किसी ने सबसे पहले कानून बनाकर इन्हें दंडित करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जीतू पटवारी जी। तो क्या माहौल हो रखा है धर्मनगरी में,
क्यों ऐसा हो रखा है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अजय पटवा मेरे सहयोगी को आप देख रहे हैं, उज्जैन से मेरे साथ जुड़े हैं और शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय पटवा, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि वो कौन था जिसने पूरा वीडियो बनाया? समय रहता तो वो जाके बचा भी सकता था, लेकिन उसको वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं थी। इस बारे में कुछ पता चल पाया? पुलिस का क्या कहना है, क्या ताजा अपडेट है इस मामले में? जी देखिए, उज्जैन एसपी ने क्लियर कहा है कि जिस व्यक्ति ने भी इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया है वो चाहता तो इस पूरे मामले को रोक सकता था, पुलिस को तत्काल सूचना दे सकता था, लेकिन उसने वीडियो बनाया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। लेकिन अब आरोपी जो जिसने दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया है महिला की शिकायत पर, उसको तो जेल पहुंचा दिया है। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जिसने इस वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है उसकी तलाश की जा रही है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस गिरफ्तारी से समाज में संदेश आ जाए कि इस प्रकार की कोई भी घटनाक्रम में वीडियो बनाने के एवज में उस घटनाक्रम को रोकने का प्रयास किया जाए, ताकि कोई भी ऐसी घटना घटित ना हो। अब देखना यह होगा कि पुलिस उस आरोपी के खिलाफ कब तक कार्रवाई करती है और कब तक वो गिरफ्त में आता है। लेकिन इसको लेकर अब सियासी गलियारों में भी जो है हलचल तेज हो चुकी है और राजनेता जो इस पर बयानबाजी जारी कर चुके हैं और इसको लेकर अब राजनीति भी गरमा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उज्जैन धर्म नगरी है और ऐसे में इस प्रकार की घटना से उज्जैन का जो नाम खराब हो रहा है, उज्जैन शर्मसार हो रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिरकार उज्जैन पुलिस जो है इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करती है। जी ठीक है शैलेंद्र, बड़े बड़े ये कहते हैं, बड़े एक्सपर्ट्स ये कहते हैं जो जानते हैं वेदों को पुराणों को, त्रेता युग में दानव और दैत्य अलग अलग लोक में जन्मे, द्वापर युग में अलग अलग परिवार में जन्मे, लेकिन कलयुग में यह कहा गया कि एक ही शरीर में दानव और दैत्य नजर आएगा, और कुछ ऐसा ही यहां हो रहा है। भले ही धर्म नगरी है लेकिन एक ही शरीर में दानव और दैत्य का रूप। बिल्कुल बिल्कुल अंशिका, आपने ठीक कहा कि ये कलयुग है और कलयुग में दैत्य और दानव एक ही जगह पर वो आपको नजर आएंगे। वो जब कृत्य करते हैं उसके बाद समझ में आता है कि कौन दानव है और कौन जो है वो मनुष्य है। और जिस तरीके से धर्म की नगरी, महाकाल की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में जिस महापाप को अंजाम दिया गया है, उसमें जो आरोपी है जिसने महिला के साथ दुष्कर्म किया वो तो बड़ा आरोपी है ही है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को बनाया वो सबसे बड़ा आरोपी है। फिलहाल इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत पूरी तरीके से गर्माई हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले पर सरकार पर गंभीरता से जांच करने की बात कही और कहा है कि बंगाल की घटना पर तो आप सियासत करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, महाकाल की नगरी में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो आखिर प्रदेश सरकार चुप क्यों हो जाती है? और इसके उलट अगर मैं बात करूं तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का साफ तौर पर यह कहना है कि केवल उज्जैन ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि महिलाओं के साथ अनाचार और अत्याचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। बीजेपी के नेता भले ही कुछ बोले लेकिन जनता जो है वो सब देख रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं बीजेपी की तरफ से, खुद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाई और आरोपी जो था उसको हवालात भेज दिया गया, वहां से उसको जेल भी भेज दिया गया है और जो लोग और भी इसमें दोषी है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को नसीहत भी दी है कि इस तरह के मामले जो होते हैं उन पर राजनीति करने से कांग्रेस बाज आए, क्योंकि ये मोहन यादव की सरकार है, लगातार जो लोग अगर इस तरह की घटना को अंजाम देंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कहना है बीजेपी की तरफ से। मेरे साथ नीलाभ शुक्ला जुड़ गई है, मेरे साथ नीलाभ शुक्ला है। नीलाभ जी, उज्जैन में, महाकाल की नगरी में, धर्म नगरी में दुष्कर्म की वारदात होती है सरेराह फुटपाथ पर, बाकायदा इसका वीडियो भी बनाया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस पर सियासत ना करे, ऐसे मुद्दों को बड़ा ना बनाए, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए सीधी बात है, महाकाल की नगरी में सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र, मुख्यमंत्री वहां से विधायक चुनकर उसके बाद मुख्यमंत्री बने, कुछ उस दौरान मुख्यमंत्री शहर के अंदर ही थे। दोपहर के दिन सरे आम महिला के साथ बलात्कार होता है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह, कुछ लोग उसका वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। प्रदेश में लगातार बलात्कार घटनाएं में बढ़ोतरी हो रही है। पहले भी उज्जैन में आपने देखा होगा 12 साल की मासूम बच्ची अर्धनग्न अवस्था में घूमते थी पूरे शहर के अंदर, उसके साथ भी बलात्कार, कुछ लगभग कुछ महीनों पहले की घटना है। तो लगातार प्रदेश में बलात्कार घटनाएं बढ़ती जा रही, प्रदेश महिलाओं के लिए असुरक्षित हो चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। महिला सुरक्षा के लिए बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन कई महिला सुरक्षा के लिए कई भी ठोस। दुर्गेश जी से ले लेती हूँ। दुर्गेश जी,
बड़ी बड़ी बातें महिला सुरक्षा को लेकर की जाती है, महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है। वेस्ट बंगाल के मामले में बीजेपी कूद पड़ती है, वेस्ट बंगाल के मामले में बीजेपी सवाल खड़े करती है, कई सारे सवाल ममता बनर्जी के सामने, लेकिन बाबा महाकाल की नगरी धर्म नगरी में जो हुआ इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड? अंशिका जी, खासतौर पर तो ये लगता है कि आज हम पर वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो जो महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढने का काम करते हैं, जिनको आइटम महिला आइटम दिखती है, जिनको जो अपने साथी सांसद को टंच माल कहते हैं, आज वो हम पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। पूरे मामले में FIR दर्ज हो गई है, आरोपी गिरफ्त में है, जो जिन्होंने ये कृत्य किया है, जो बात सामने आई है, जो पुलिस का जो वहां का वर्जन है वो कोई आपसी बातचीत का था उनका और आपसी वो था, वो ये सब चीजें, पर हमारी सरकार ने, हमारे प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ लिया है, जो 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 संभव धाराएं हैं वो लगाने का काम किया है, सख्त सख्त सजा दी जाएगी, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल ये कि ऐसी घटनाएं होती ही क्यों है, कोई डर नहीं है क्या पुलिस का MP में? देखिए मैम अंशिका जी, जो ये जो कृत्य किया गया है वो आपसी पहचान जान पहचान वाला है, कोई पुलिस का डर सब में है, भय व्याप्त है, पुलिस अपना काम कर रही है, ये मध्य प्रदेश ही है जिसमें माफियाओं की कमर तोड़ दी जाती है, अगर कोई भी ये मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में ही संभव हुआ, जो दस्यु समस्या थी उसको समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया, अगर आप इसको और आगे जाएंगे, नक्सली समस्या को हमने खत्म करने का काम किया, इनके तो खुद के गृह मंत्री के घर में घुसकर नक्सलियों ने हमला किया था और उनकी जान चली गई थी। बड़ी बात यह है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया दुर्गेश जी, और हम यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा हो, अपराधी हो आरोपी हो उसको सजा मिले, बस यही चाहिए। और यही एक बड़ा संदेश भी तो है उन लोगों के लिए जो इस तरह के अपराध के बारे में विचार भी लाते हैं,